कबाब चीज वाले कबाब नहीं बेचते, मुझे ये बात नहीं समझ आती। लेकिन चलो जो भी है, अब हम इनका इंटायर मेन्यू करने वाले हैं और मेरे हिसाब से भी 10,000 से कम ही बनेगा। विंग्स, विंग्स तो रह ही गए भाई, ये बकेट इतनी पसंद आई है। ये पाकिस्तानी ब्रांड की ड्रिंक्स ट्राई करके कह रही है ऐसी है वैसी है। अब ये मैं ट्राई करके बताती हूँ, मैंने पी लिया और ये बिल्कुल दवाई जैसी है। कोला नेक्स्ट थोड़ी काबिल बर्दाश्त है, लेकिन चलो अब ये पी के देखते हैं कि किसके जैसी, क्योंकि मिनाहिल और फरियाल ट्राई करके देख लिए, अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसका टेस्ट किसके जैसा है, पता नहीं मुझे आता कि नहीं। हेलो एवरीवन, ये वाला इंट्रो मैं जल्दी से करी क्योंकि हम लोग इंटायर मेन्यू करने वाले हैं। इंटायर मेन्यू का मैं तुम लोग को बात बता दी, ऊबर वाला खड़ा हुआ है बाहर और हम लोग जा रहे हैं अभी अपनी बिल्लियों की डीवर्मिंग कराने, क्योंकि मेरे घर में बड़ा बहुत ज्यादा मसला हुआ है बिल्लियों का, तो वो करवा के आगे हम लोग इंटायर मेन्यू करेंगे और मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि कितने पैसे बन रहे हैं, क्या हिसाब किताब है और ये किसका अल्टरनेट ब्रांड है। सारी बातें मैं तुम लोगों को आगे बताती हूँ व्लॉग में, तो अभी हम लोग चलते हैं क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं और मैंने नया सूट पहन लिया, क्योंकि भाई मैं एक्साइटेड होती हूँ हमेशा हम लोग जब इंटायर मेन्यू करते हैं। और आज के इंटायर मेन्यू में सबसे एक्साइटिंग चीज़ ये है कि मैं हर चीज़ को टेस्ट करके बताऊंगी कि उसका टेस्ट कैसा है, तो चलो चले। कितने? अच्छा 5,000। अभी मैंने फरियाल को ATM पे भेजा, 10 मिनट लगा के आई है और आगे पूछ रही है कि पैसे कितने निकलवाने, और मैं यही सोच रही थी कि अभी आगे पूछेगी और मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि भाई इसको मैंने कहा कि भाई पैसे निकलवा के लाओ और चली गई और ये भी नहीं पूछा कि कितने निकलवा रहे हैं। और अभी हमारी गोदी में पता है कौन है, मैं आपको दिखाती हूँ, चेक करें। मिले हमारी ओली से। ओली अस्सलाम वालेकुम बोलो सबको। तो अभी हमें डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, हमें गाड़ी की राइड नहीं मिली तो हमने कहा चलो रिक्शे की राइड करा लेते हैं, और ये साथ मामा बैठी हुई हैं। तुम क्यों नहीं हो पास आए हुए हैं पहली दफा? ये चेक करें जी, ओगी वो गया ओली, एक और टीका लगने लगा उसे। तो फाइनली हम लोग पैकेजेस पहुंच चुके हैं और मेरी ये स्वेटर ना पहनने की आदत किसी दिन मुझे क्लियरली मरवाएगी। लेकिन फिलहाल तुम क्या कहना चाहती हो कि जो अभी हम इंटायर मेन्यू करने जा रहे हैं उसके कितने पैसे बनेंगे तुम्हारे हिसाब से? 10,000 से नीचे ही बनेगा, क्योंकि उनके मेन्यू में इतनी आइटम्स नहीं है, लेकिन खाना बिल्कुल, यार मैं तुम लोगों को बताने लगी थी कि किसका अल्टरनेट है, अल्टरनेट वो KFC का। और अभी मैं पैकेजेस में एंटर होने वाली, तो उन्होंने मेरा कैमरा बंद करवा देना, तो चलो बंद कर दो। बोलिए उन्होंने मेरे गिम्बल पे खा लिया, तो वैसे लाइटर खाने के भी चक्करों में थे, लेकिन क्या करें। पता नहीं, अच्छा तो मैं ये बताई थी हुआ कैसे है कि उन्होंने मेरा गिम्बल रखवा लिया, वो कहते हैं सारा बैग रखे, मेरा एक्सेसरी बैग ऐसे ही लगता है इसके अंदर बॉम्ब पड़ा हुआ, तो उसने मेरा बैग रोक लिया। हालांकि मैं खुद भी इसको देख रही थी कि मुझे रोक की भी रहा इस बैग की वजह से, कैसी मैं पागल हूँ। तो खैर जो भी हुआ, मैं आगे ये बता रही थी कि उसने मेरा गिम्बल रख लिया, मुझे कहती लेके जाओ, मैंने कहा इतना महंगा मैं तुम्हारे पास छोड़ नहीं जा रही, कहती मेरी किसी काम का क्या है, आज भाई चले लोग होते हैं कुछ रूट, टेंशन नहीं लेनी। अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कबाब जी, कबाब चीज वाले कबाब नहीं बेचते, मुझे ये बात नहीं समझ आती। लेकिन चलो जो भी है, अब हम इनका इंटायर मेन्यू करने वाले हैं और मेरे हिसाब से भी 10,000 से कम ही बनेगा, तो आओ चलते हैं। और फूड कोर्ट देखो, फ्राइडे को कितना बड़ा बना है, वो क्लास को बैठने की जगह ढूंढने, क्योंकि वो हमारी हेल्प नहीं करेगी शायद जगह ढूंढने में, लेकिन जो भी चलो आ जाओ। सबसे पहला मरहला था जगह ढूंढना, जो कि हमने सक्सेसफुली ढूंढ ली, यहाँ पे कोई और बैठा था, हमने दूसरी जगह ढूंढ के उनके साथ जगह स्वैप की और उन लोगों ने मेरी बात समझी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं कि फ्रेश खाना आपको लगा के देते हैं, इंतहा की भूख लग रही है। मैंने तो चलो फिर सुबह नाश्ता कर लिया था, फरियाल मैडम ने नहीं किया, और अभी मेरी दोस्त मिनाहिल भी आ रही है, तो अभी आपको सब चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन मुझे दुख हुआ कि उन्होंने मेरे नीचे चीज़ें रखवाई, मुझे रोका, हालांकि मैं खुद भी जा रही थी कि मुझे रोके, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसी कोई ज़िंदगी, बोरिंग सा दिन है, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, तो बुरा तो हो गया जो मैं सोच रही थी। खैर तो अब खाना आता तो खाना तुम लोगों को दिखाते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं उनके पास, कुछ इतनी वैरायटी नहीं है लेकिन है, खाना अच्छा टेस्ट का है। मतलब इससे जो ये जलील कंजर ब्रांड है ना, इससे अच्छा टेस्ट है। मैं और क्या कहूँ, ऐसा ब्रांड जिसका नाम लेने का दिल नहीं करता। तो भाई मैंने ना यहाँ से कबाब चीज़ मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, मैंने यहाँ से ना ऑलमोस्ट 2 दफ़ा खाना ट्राई कर लिया हुआ है, ये सोच के कि भाई ये KFC जैसा है। और हाँ वो KFC जैसा ही था, कि नहीं नहीं अब लाना ज़रूरी नहीं है, मैं आनी ज़रूरी, KFC जैसा ही है, मतलब उससे ज़्यादा मज़े का, मैंने जब भी फ्रेश खाया ना मुझे ज़्यादा मज़े का लगा। लेकिन अगर आज भी वैसा हुआ ना, तो इस बात पे ठप्पा लग जाएगा कि भाई हाँ ये अल्टरनेट है, क्योंकि मैंने मेरे चाचू कहते हैं कि अगर किसी चीज़ का टेस्ट देखना है ना, तो आप ऐसे देख सकते हो कि उस जगह से कम अज़ कम 3 दफ़ा खाना खाओ, ताकि पता हो कि वो अपना टेस्ट मेंटेन कर सकते हैं, या आपकी वीडियो को देख के आएगा तो
उसको वैसे टेस्ट मिलेगा कि नहीं। तो अभी मैंने मेन्यू तो इंटायर ऑर्डर कर दिया हुआ है, तो आता है तो बताते हैं ना भैया। अब क्या तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरा मुंह देख के, और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हैं फिर यार क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हमारा सारा का सारा ऑर्डर आ गया हुआ है। ये रहा, ये वो है वैल्यू बकेट। तो बकेट किधर है इसकी? टोटल पीसीज हैं। और ये फ्राइज इनके बड़े मजे के हैं भाई, मैंने खाए हुए। और ये है चिकन स्ट्रिप्स, ये है विंग्स क्रिस्प, बाकी सारा कुछ बाद में जाके दिखाती हूँ। तो चलो जी, इन दोनों की एफर्ट लगेगी सारा मेन्यू पकड़ने में। और ध्यान से गिराना ना भाई, गिराना ना। रुको रुको, दोनों इकट्ठे जाना ना, वीडियो बनानी है। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं हर चीज टेस्ट करके बताऊंगी कि वो कैसी है, और कुछ मैंने खा भी ली है, तो साथ साथ बताते हैं। सबसे पहले जी आती है हमारी चिकन स्ट्रिप्स। ये चिकन स्ट्रिप्स हैं यार, इनके ना अंदर स्पाइसीज हैं थोड़े थोड़े दिल के ऊपर, मजे से। इनके फ्राइज सही बताऊं, केएफसी से अच्छे हैं। केएफसी के फ्राइज बहुत बुरे होते हैं। फिर पता नहीं बर्गर हो के क्या क्या नाम है, लेकिन यार लेकिन ये देखो जरा, देखो जरा, आहा हा, सॉस भी वही डालनी भी है भाई। मंदा नहीं, आंखें बंद करके किसी को खिला दो वो कहेगा केएफसी है। ये है लेग पीस जो मेन चीज है, ये मैंने बहुत दफा खाया पर ये बिल्कुल वैसा ही है। गरम गरम का क्या ही मजा है। अलबेक सॉस देना, ये है इनकी अलबेक सॉस जो कि केएफसी से नहीं मिलती। पीछे फरियाल बिहाइंड द कैमरा खाई जा रही है। नाइस। ये आखिरी हॉट शॉट है, क्योंकि हॉट शॉट बहुत मजे के थे। आंटी कोल्सलो दीजिएगा। KFC का तो जब भी कॉल्स खाओ ना, उसमें से कुछ ना कुछ खराब हुआ होता है, स्मेल आ रही होती है। ये जी नेक्स्ट की कोला है, और ये है इनका माइटी जिंगर टाइप बर्गर। और बिल्कुल ये माइटी जिंगर जैसा, मैं अभी सबको ये कहती कि सॉस भी इन्होंने वैसी ही डाली हुई है। और ये मिनाहिर चिकन स्ट्रिप खोलने की ट्राई हूँ मैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को गाइस बताएं? मजेदार। अभी भी हमने सारी चीजें नहीं ट्राई की। मैंने कहा फ्राइज पे इन्होंने ना हल्की सी नमक डाली होती है, जैसी मैकडॉनल्ड्स की नमक होती है ना वैसी, इसीलिए मजे के लग रहे, नहीं तो मोटे फ्राइज इतने मजे के नहीं होते। और क्या रह गया मेरे पास? सारा कुछ ही खा लिया। विंग्स, विंग्स तो रह ही गए भाई, इनकी बकेट इतनी पसंद आई है। विंग्स में भी मुझे ना सबसे ज्यादा जो पसंद है ना वो है नेबलेट्स। तेरे फोन का नसीब ही खराब। ठहरो भाई, चलो जी विंग्स टेस्ट करके बताते हैं। जरा सा ना माइल्ड सा टेस्ट डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत मजे के, मतलब कहते हैं ना टक्कर देने वाला टेस्ट, टक्कर देने वाला टेस्ट है इनका। बिल्कुल बहुत मजे का यार, मैं इतनी समझदार। और प्राइसेस भी ठीक हैं, अब सारे एक दूसरे को भूल गए। लेकिन ये जिंगर खाने में मसरूफ है, बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल केएफसी का जिंगर बर्गर है। मैंने इसको खाया नहीं, मैंने कहा चलो घर वालों के लिए ले जाएंगे, उनके लिए भी कुछ हर चीज जूठी करके जरूर घर लेके जानी है। वैसा ही टेस्ट है, केएफसी वाले भी एक ही मसाले से सारी चीजें बनाते हैं, और ये लोग भी एक ही मसाले से सारी चीजें बनाते हैं। वैसे कभी कभी अपनी वीडियोस देख के ना मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं कुछ चंडे लगाऊं कि यार इतना कौन बोलता है, मतलब बंदा चुप भी कभी कर जाता है। हर वक्त बोलते रहना बोलते रहना बोलते रहना, अगला 24 घंटे सुन सुन के तुम्हारे कान दर्द होने लग जाए। और फिर जब मैंने इनकी रैंगो नेक्स्ट पी, तो मुझे एहसास हुआ कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल दवाई जैसा, लेकिन वो कौन सा इसकी है। फिर मैंने इनकी अलबेक सॉस ट्राई की, जो कि काफी हद तक मुझे अच्छी लगी, क्योंकि गार्लिक, और मुझे गार्लिक की चीजें काफी पसंद है, लेकिन थोड़ी सी पतली थी। ये पाकिस्तानी ब्रांड की ड्रिंक्स ट्राई करके कह रही है ऐसी है वैसी है। अब ये मैं ट्राई करके बताती हूँ, मैंने पी लिया, ये बिल्कुल दवाई जैसी है। कोला नेक्स्ट थोड़ी काबिल बर्दाश्त है, लेकिन चलो अब ये पीकर देखते हैं कि किसके जैसी, क्योंकि मिनाहिल और फरियाल ट्राई करके देख लिए, अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि इसका टेस्ट किसके जैसा, पता नहीं आता कि नहीं। लेमन वैक्स।
अरे अरे हां लेमन मैं कैसे समझ नहीं आ रही कि कहीं पे देखा है सुन के ऐसा लग रहा है ये देखिए ये है लेमन ये लोका हम अंदर से साफ करेंगे। अब ये सारा खाना बच गया है, ये लोग जा रहे हैं उनको देने के, हमें पैक लेके जा रहे हैं। नहीं 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 रुको वापस हो चलो तुम भी जाओ लेके आओ, एक कॉल स्लो दे दो ये खाना मैंने। अच्छा जी प्रियाल ने बिल के तुक्का लगाया था और मैंने जो लगाया था वो उसके पास पास है, पर वो बिल का तुक्का मिनाहिल को नहीं पता, तो मिनाहिल बताओ कि कितना बिल बना है? 9-10 के दरमियान। सही फिगर दो। एग्जैक्ट 9000। जी मिनाहिल को मिलेगा क्यूब मोबाइल क्योंकि बिल बना है 9000 रुपए। चल भाग यहाँ से। अबे ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है भाई। ये लोगों को भी बिल दिखाते लाओ यार, पूरा 9000 कितना पक्का गैस है मेरा। ये तक ये रहा जी हमारा, हम इसको घर में जाकर कर ऐसे वाले हाँ इंटायर मेन्यू के हाँ वो ताकि ना बंदा फ्रेम करा ले बाद में, फिर डन हो गया। चलो जी अब ये बोतलें नहीं रखवानी। मिनाल तूने मेरा हाथ लाल कर दिया भाई खींच खींच के, क्यों मोबाइल के पीछे भूखी ये पीते हैं दवाई वाली बोतल, किसी बच्चे को दे देंगे। और ये लेमन मैक्स घर जाके बर्तन धोने हैं इससे। बहुत मजा आया खाना खाने का, और वही बात है कि मैंने तुम लोगों को कहा है कि भाई अब लाहौर में आ गए, ये कबाब चीज़ जो है ना कराची का ब्रांड है जो कि लाहौर में आया है, और ये बिल्कुल KFC का अल्टरनेट का है, बल्कि मैं कहती हूँ मुझे ज़्यादा मज़े का लगा है क्योंकि कभी कभी वो लोग अपना टेस्ट मेंटेन कर नहीं पाते, इनका पता नहीं क्योंकि मैंने जैसे 3 दफ़ा खाया सेम ही टेस्ट था, और जब फ्रेश खाओ ना तो ज़्यादा मज़ा आता है खाना खाने का। आज मैं की तैयारी कितनी लग रही है, अब अगले किस ब्रांड का इंटायर मेन्यू करें वो आप लोगों ने बताना, और पीछे ये बंदा बोली जाता है बोली जाता है, बंदा कहे तो कहे क्या, लेकिन अभी हम मीठे की तलाश में जाने लगे तो देखो क्या मीठा खाते हैं, क्योंकि मेरा इस बार क्रूज बहुत तगड़ा किस्म का मीठा खाने का दिल कर रहा है, लेकिन मैगनम हमने इतनी खा ली मैंने कि तौबा। और ये मैंने ड्रेस भी पैकेजिंग से लिया था, कितना प्यारा ड्रेस है, फरियाल ने भी पता नहीं पैकेजिंग से लिया था कि नहीं, शायद एम्पोरियम से लिया था, और ये मेरा पैकेजिंग से लिया था। हाँ हम दोनों ने सेम ड्रेस लिया हुआ, लेकिन हम दोनों एक दिन पहनते नहीं है वो ड्रेस, हम पहने पहने हम जरूर पहनेंगे, हम अभी बता रहे हैं कि हम आगे आने वाले ब्लॉग में सेम ड्रेस पहनेंगे। हाँ जी, और मेरा हाथ तक गया बात करते करते, तो अभी इसको खत्म करते हैं, आगे कुछ मजे का होगा तो दिखाऊंगी, नहीं तो इस ब्लॉग को यही खत्म कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़। राहिल ने कभी अपना फ्लॉस नहीं खरीदा, मेरे से मांगती रहती है फ्लॉस। चल आज तुझे नया फ्लॉस लेके देती हूँ, चल वही मम्मा ने कहा था। अच्छा चल रोना है, पहन ले बैग, वो पकड़ लूंगी। उन्होंने नीचे मेरा गिम्बल रखा हुआ है, उनसे जाते हुए गिम्बल भी पकड़ना। ये है जी KFC का रश, और ये है कबाब जीज का रश, जो कि इधर कोई रश ही नहीं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि कौन सा बवाल ब्रांड लाहौर आ चुका है। गाइस चलेंगे यहाँ से, आज मेरी एनर्जी आउट ऑफ क्लास हो गई है ना फिर, आज ज्यादा ब्लॉग में एनर्जी होगी तो तुझे चल यहाँ से भागे तो चल चल चल। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, उल्टे हाथ से मुबारक हो। तो जी हम पेस्ट्री लेने लगे हैं, और मैं तो पेस्ट्री ले रही हूँ, मिनाहिल ने कुछ और मीठा खाना, लेकिन अभी हम टेस्ट करके देख लेते हैं कि पेस्ट्री कैसी है। एक मिनट भैया मैं आपको पैसे लेती हूँ। देख लिया, मूवी काफ़ी मज़े की थी, मज़ा आया देखने का, और अब हम दोनों को बहुत ज़्यादा वॉशरूम आ रहा है क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स पी ली थी, ठीक है, तो अब हम लोग वॉशरूम जाएंगे और फिर अपना रिमेनिंग खाना पकड़ेंगे और घर जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और मज़ीद किस 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 क्या व्लॉग चाहिए, हाँ क्या ब्रांड चाहिए, कोई 24 आवर चैनल चाहिए, प्रियाल को झंडे लगानी चाहिए 24 घंटे, तो वो मुझे आप लोग कमेंट में बताओ। अल्लाह हाफ़िज़।